हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम ncrmotorcycles। दोस्तों आज की जो वीडियो गियर प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि हमारे थंडरबर्ड मॉडल में गियर का इशू बहुत ज़्यादा है। डलते अच्छे हैं, बट जब निकालने डाउन करने के गियर की बात है तो वहाँ इतना पाँव हमें दबाना पड़ता है कि गियर निकल नहीं पाता और पाँव में पेन होने लग जाता है। तो उससे छुटकारा कैसे मिला जाए, तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं थंडरबर्ड में जब मैं यूज़ कर रहा था तो ट्रैफिक में क्या होता है, जब भी हम गियर को डाउन कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। और ऐसे मेरे पास कई लोगों की कॉल आई आप जैसे सब्सक्राइबर की कि भाई हमारे पास थंडरबर्ड है, गेट डाउन नहीं होते, तो उससे कैसे हम उसको सही करें। तो दोस्तों आज उसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो है। तो और ये खाली थंडरबर्ड के लिए नहीं है, अगर ये इशू आपके साथ इलेक्ट्रा क्लासिक स्टैंडर्ड किसी में भी आता है तो ये आपको वीडियो बहुत काम की। चलिए बिना देरी करें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए उसके अंदर क्या करें। तो दोस्तों ये मेरी थंडरबर्ड, तो इसमें मैंने आपको दिखाऊं कि क्या गियरों में क्या दिक्कत आ रही है। देखिए बेसिकली इसके पाँव ना थंडरबर्ड के फुटर्स थोड़े आगे हैं, इस वाले मॉडल के थंडरबर्ड एक्स के आगे। और नॉर्मली आपके क्लासिक इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड जो है तो उसमें यहाँ ऐसे पाँव रखते हैं सीधे, बिल्कुल मतलब ये जो हमारा पैर का एंगल है सीधा है, बट इसमें थोड़ा दिया आगे रखने के लिए, तो कुछ इंच आगे है, जिसकी वजह से क्या है हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। तो इसी वजह से ये थंडरबर्ड टूरिंग बाइक कही जाती है कि थकान नहीं होती, जो कि जाहिर सी बात है मैं इस पर लंबा राइड करता हूँ, थकान नहीं होती। तो अब बट एक चीज़ बहुत बारीकी देखने वाली, मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या है कि जब मैं आगे पाँव रख रहा हूँ तो दोनों पाँव ऐसे होने चाहिए। और आगे मैं पास से दिखाता हूँ, अभी क्या है इसका ना गियर लीवर आगे है। तो अब जब देखिए गियर अगर मैं डाल रहा हूँ सेकंड थर्ड फोर्थ तो सही डलेगा, बट जब आगे कर रहे हैं तो खिंचाव आ रहा है एक मेरे ना इस जगह एरिया में, नस में ये खिंचाव आ रहा है, क्योंकि आप पाँव का लेवल एक सीधा इससे ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते। ये देखिए इससे ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, अब इससे ज़्यादा नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ की नसें खिंच रही हैं, तो मुझे इससे मैं गियर डाउन करने में दिक्कत आ रही है। मुझे क्या सभी को आ रही होगी जो नॉर्मल हाइट के हैं। तो इसमें अब इशू ये है, इसको हम गियर लीवर को अगर पीछे करते हैं एक पॉइंट तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, देखिए बेसिकली मैं अभी आपको ब्रेक का भी दिखाऊंगा। अब ये इसमें आपको रॉड दिखेगी, एक्सटर्नल रॉड लगी हुई फुटर से आगे, नॉर्मली के यहाँ होते हैं फुटर, इसका आगे है। तो इसके हिसाब से अब देखिए ना गियर लीवर आगे का डाउन है ज़्यादा, तो हमारे पाँव पंजे को पूरा नीचे करना पड़ रहा है ऐसे, जिसकी वजह से वो बहुत पेन होने लग जाता है कभी। अगर हम इसको एक ऑप्शन है कि यहाँ से लूज़ करके इसको पीछे करो, ठीक, अगर जब पीछे हमने कर दिया पीछे करके यहाँ आ जाएगा ये, बट जब गेट डालेंगे तो ये इस जगह टच होगा, देख रहे हैं अभी गेट डाला नहीं है, ये देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है यहाँ। तो सेकंड गियर थर्ड गियर फोर्थ गियर नहीं डलेगा हम इसको पीछे करते हैं। तो और इस समय जो हमारा एडी का जो है वो बिल्कुल सेट है, तो अगर पीछे करेंगे ये नीचे आ जाएगा तो हमें फिर डालने में दिक्कत आएगी। मैं आपको ब्रेक का दिखाता हूँ क्या है ब्रेक का सीन इसका। तो यही आप ब्रेक का देखेंगे, देखिए ब्रेक का फुट इससे ऊपर है तो हमारे पैर का एंगल ऐसा आ रहा है, जो कि बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे कि ब्रेक से कोई इशू नहीं है, ब्रेक का बिल्कुल सही है। देखिए फुट इससे ऊपर है क्योंकि पाँव जब हमारा आगे चला गया तो पैर ऐसे हो जाता है, तो ईजी रहती है ड्राइविंग के टाइम। और अभी मैं आपको दिखाऊँ, देखिए अगर मैं इसको स्केल रखता हूँ ये देखिए कितना ऊपर जा रहा है, हमारा पैर का एंगल ऐसे रहता है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। दिख रहा है आपको कितना ऊपर जा रहा है ये, आइए अब मैं वहाँ का चेक कराता हूँ आपको स्केल से। ये देखिए बिल्कुल प्लेन सफाचट, बल्कि अगर हमें इसको लाना है ब्रेक के लेवल में तो ब्रेक का यहाँ आ रहा है, ठीक ब्रेक का हमारा इतना था, तो तकरीबन एक इंच का हमें उठाना है लीवर। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमें तकरीबन हम इसको इतना उठाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे गियर लीवर खोलना पड़ेगा और कैसे उठाना है मैं दिखाता हूँ, क्योंकि डाउन तो हम करेंगे नहीं इसको, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा बिल्कुल मतलब ये वाला जो पोजीशन है गियर डालने वाला तो बिल्कुल सही है, हमें इसको उठाना है बिना बेंड करें तो कैसे होगा, क्योंकि अगर ऐसे चोट वोट मारे करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। एक और जुगाड़ है कि इसको इसके ऊपर कोई चीज़ वेल्डिंग कर दो, वो भी वो लुक वाइज अच्छी लगेगी। तो सिंपल से एक जुगाड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है इसका। पहले गियर लीवर खोल लेता हूँ ये। तो दोस्तों गियर लीवर खोल लिया और छोटी सी ड्राइंग बनाइए, देखिए बेसिकली ये गियर लीवर का ये डिज़ाइन हमारा, ठीक ये सीधा है, हमें उठाना है 3 से 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा इस पर निशान लगा लेता हूँ, तो मुझे 3.5 सेंटीमीटर उठाना है, तो मैंने निशान लगा लिया यहाँ, ठीक है। तो इसका गियर लीवर का पोजीशन आएगी, इस तरीके से तो हमारे गियर लीवर
ये इतने पे लाना है, ठीक। तो सिंपल सा है, मैंने इसलिए कहा ताकि मुझे पता चल जाए कहाँ लेके आना है। तो ये अभी यहाँ पे के लीवर यहाँ आना है, तो अब इसको मैं इस जगह से कट करूँगा, ये इस जगह से इतना, क्योंकि वैसे अगर गरम वरम नहीं होगा क्योंकि सीधी पट्टी है। इसको कट करते हैं पहले ग्राइंडर से, उसके बाद दिखाता हूँ क्या करना है। दोस्तों इसको मैंने पूरा नहीं काटा है, तो अभी थोड़ा सा और रह गया। तो अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, देखिए पहले यहाँ था अभी ऊपर हो चुका है। तो अब इस एरिया को मैं क्या करूँगा, इस एरिया को वेल्डिंग से कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद इस चीज़ पे या तो अगर क्रोम का टाइम है आप क्रोम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर सिल्वर पेंट मार दूंगा, जैसे आप देखिए ये कंपनी का ओरिजिनल है, बट कंपनी के ओरिजिनल पे भी जो क्या होता है जब कहीं पे वेल्डिंग होती है तो उस पर क्रोम होने के बाद भी सिल्वर का टच दे दें ताकि पानी रुक के जंग ना लगे। आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा, लेग गार्ड पे हो गया, साइड जाल पे हो गया, सलेंसर की पत्ती पे हो गया, सलेंसर की प्लेट पे हो गया, जो क्रोम के पार्ट है हमारे, उसके बाद क्या होता है जहाँ वेल्डिंग का निशान होता है उस पर सिल्वर के टचअप करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग पे वहाँ पे जंग आ जाता है पानी का रुकने की वजह से। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिनिश करने के बाद इस चीज़ को हम हल्का सा सिल्वर टच दे देंगे। चलिए इस पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करूँगा, गैस वेल्डिंग नहीं, गैस वेल्डिंग से सही नहीं है इस पर, तो मैं इस पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करूँगा। चलिए इसको वेल्ड कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये वेल्ड कर दिया, अब मैं इसको ठंडा करके ये ग्राइंड से इसको फिनिशिंग कर देता हूँ पूरी। तो इसको फिनिशिंग कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये हो गया, मैं इस पर सिल्वर का टचअप कर देता हूँ। देखिए मैंने बफ मार के बिल्कुल कर दिया परफेक्ट। तो अब ये इस पर पहले मैं जैसे पहले यहाँ पे आपने अभी नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ सिल्वर कंपनी से सिल्वर आए, तो इतना और हम सिल्वर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पर सिल्वर स्प्रे मैं मार देता हूँ थोड़ा सा, ताकि परफेक्ट जंग वंग ना लगे और परफेक्ट काम कर रहे। तो दोस्तों ये रेडी हो गया, पेंट वेंट करके मैंने रेडी कर दिया है। ये हमारी ड्राइंग थी, आप देख सकते हैं कि अब उसके लेवल पर आ गया है जो हमने ड्राइंग बनाई थी, देख सकते हैं बिल्कुल उसके लेवल पे जो उन्होंने ड्राइंग बनाई थी। भाई इसको बाइक में फिट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अब ये कंफर्टेबल हुआ या नहीं। तो दोस्तों गेलीवर फिट हो गया, आप देख सकते हैं कि अब इसके डायरेक्शन देखिए कि ये सा ऊपर आ गया, जैसा कि हमारा ब्रेक पेडल है, और एडी का हमारा पीछे का वहीं, क्योंकि ये और करने में इसलिए रहता है कुछ टाइम बाद ना, इसके जो पिन्स हैं देखिए इसमें एक्सटेंशन रॉड लगा रखी है तो पिन में प्ले आ जाती है, इतनी तो प्ले फ्री हो जाती है।
तो अब ये बढ़िया काम कर रहा है। आइए मैं इसको दूर से दिखाता हूँ कि अब कैसा काम कर रहा है। ये मैं ईजिली बैठा हुआ, मतलब बिल्कुल सही। ये गियर डाउन, ये गियर डाल दिया, मतलब अब मुझे फील, अब मैं पाँव दोनों रखा हुआ हूँ ना तो गियर लीवर ब्रेक दोनों बराबर है, और जब डाउन कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब पहले ये चीज़ यहाँ थी और यूँ करने पे ये मेरा अक्सर मतलब ये पेन होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो और ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए भी काम आएगा ये टेक्निक, और खाली थंडरबर्ड के लिए नहीं है। अगर आप ये चीज़ इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड उससे भी परेशान है कि पीछे से एडी से सही डल लें बट आगे कर रहे हैं तो ज़्यादा पंप आगे जा रहा है, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे कि थंडरबर्ड को गियर को लेकर थंडरबर्ड के गेंद अटक रहे हैं भाई, निकालने में दिक्कत आ रही, डल सही रहे। तो दोस्तों एक ये रीज़न भी है, तो ट्राई करिए। और अब तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, अब मैं इसको आराम से चला सकता हूँ, तो बढ़िया है बिल्कुल। कुल मिला के मज़ा आ रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कि कंप्लीट हो गया, और गेट डालने में बहुत आसानी, मतलब मुझे बहुत इजीली हो रहा है, और ये जितने छोटी हाइट है मुझसे जो कम हाइट के हैं तो उनको बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। आप बिल्कुल ट्राई करिए इस चीज़ को। अगर ये खाली थंडरबर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई सी बाइक है, चाहे आपकी रॉयल एनफील्ड ना हो, कोई सी बाइक अगर आपको गियर डाउन करने में ज़्यादा इशू आ रहा है तो ये चीज़ आप ट्राई करिए, आपको बिल्कुल इससे बहुत फ़र्क लगेगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको क्रोम कराइए, टाइम नहीं है तो सिल्वर पेंट कराइए, कोई इससे वो बात नहीं है, और ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये परमानेंट काम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इंतजार करें मेरे वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।